हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे। इसके लिए मैंने दो क्लॉथेस लिया है और एक रेयन क्लॉथ है और एक कॉटन का क्लॉथ है। रेयन क्लॉथ मेरा 1.5 मीटर का है। और ये इसमें मैंने पहले मैं रेयन क्लॉथ को मैंने कटिंग करूँगी, तो इसके लिए मेरे हाइट में मेजरमेंट करके 43 पे एक मार्क करूँगी। ये मेरा टोटल 43 का ही कपड़ा है। तो मैं इसके बाद मैंने सोल्जर पे एक मार्क करूँगी 6.5 पे। सोल्जर मेरा 13 है तो मैं 6.5 पे एक मार्क करूँगी। और वहीं से मैंने नीचे से एक मार्क करूँगी 6.5 पे, वो मेरा आर्म होल होगा। और उसके बाद वहीं पे मैंने चेस्ट का मेजरमेंट लूँगी। चेस्ट मेरे मेजरमेंट का चेस्ट का साइज है 36, तो मैं 9 पे एक मार्क किया। और उसके बाद मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मैं मेरा कमर पे एक मार्क करूँगी, इसलिए मैंने ऊपर से 21 पे एक मार्क करूँगी। और वहीं पे मेरा कमर का मेजरमेंट करते हुए मैं कमर का मेजरमेंट है मेरा 40, तो मैंने 10 पे एक मार्क किया और 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। फोल्डिंग के लिए मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया। एंड एक लाइन ड्रॉ किया। अब मैं ये लाइन्स जॉइंट कर दूंगी। उसके बाद मैंने आर्म होल के लिए मैंने 1.5 पे एक मार्क किया कोने से और एक राउंड शेप दे दिया। ये मेरा आर्म होल हो गया। बैक का पार्ट का आर्म होल है। एंड फ्रंट का पार्ट का आर्म होल के लिए मैंने 1/2 इंच डीप लूँगी। उसके बाद मैंने सोल्जर पे 3 पे एक मार्क किया, ये मेरा गैप होगा। और यहीं पे मेरा बैक नेक डिजाइन के लिए मैंने फ्रंट नेक के लिए मैंने 6.5 पे एक मार्क किया और बैक नेक के लिए मैंने 5 पे एक मार्क किया। दोनों साइड मैंने गोलाई रखूंगी। अब मैं कमर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करूँगी। वहीं से मैंने कटिंग भी कर दूँगी। ये मैंने कटिंग कर लिया। इसमें से मेरे बैक का पार्ट निकल गया। एंड फ्रंट पार्ट के लिए मैंने फिर से उसको फोल्ड करूँगी। और जो दो लाइनें एक्स्ट्रा बचे हुए थे नेक के लिए और वो आर्म होल के लिए, वो भी मैंने कटिंग कर दूंगी। ये मैंने कटिंग कर लिया। और उसके बाद मैंने ये बैक का पार्ट रखते हुए मैंने ओवरकोट के लिए मैंने ये कपड़े में मैंने रखा और वहीं पे मैंने 14 पे एक मार के ऊपर से। और ये वहीं तक मेरा सेम मेजरमेंट रहेगा। और 14 के बाद बॉटम की तरह मेरे 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूँगी और वहीं पे मैंने मार्क करते जाऊंगे। ऐसे मार्क किया। अब यही मार्क से मैंने फोर्टीन पे मार्क किया और एक लाइन ड्रॉ किया।
और यहीं पे मैंने कटिंग कर दूंगी। ये बैक का पार्ट का पार्ट के लिए मैंने कटिंग करते दो पीसेस में मैंने डिवाइड कर लिया, और ये बैक का टॉप को मैंने और एक कपड़े पे रखते हुए मैंने फ्रंट का टॉप पार्ट निकालूंगी। मैंने उसी मेजरमेंट से ही मैंने फ्रंट का पार्ट के लिए निकाला, और उसके बाद मैंने नेक के डिजाइन को थोड़ा सा डीप देके ऐसे डिजाइन करूंगी, और वहीं से थोड़ा सा मैंने तिरछा लूंगी। ऐसे मैंने तिरछा लिया, अब मैं उसको कटिंग कर दूंगी। ये मैंने कटिंग कर लिया, इसी मेजरमेंट से मैंने छोटे छोटे ये बचा हुआ कपड़े में छोटे छोटे मैंने पीसेस निकालूंगी। ये पीसेस जॉइंट करते हुए मैंने ओवरकोट बनाऊंगी। तो इसके लिए मेरा एक मेथड है पीसेस बनाने के लिए। ये मैंने एक कुर्ती का जो बैक का पार्ट है उसका बॉटम को मैंने ऐसे रखा और मेजरमेंट किया तो मेरा 30 आया। तो 30 तो मैंने 6 इसमें से मैं 6 पीसेस निकालूंगी। 6 पीसेस को 30 बाई डिवाइडेड बाई 6 तो मेरा 5 आया। तो 5 इंचेस का पीसेस होना चाहिए। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने 6 इंचेस का पीसेस लेना होगा। 6 इंचेस का 6 पीसेस होना चाहिए। ये मैंने पीसेस निकाली है। ये मेरा सबसे छोटा सा पीस है, और उसके बाद 2 इंचेस यहाँ 2 इंचेस यहाँ, टोटल 4 इंच का दूसरा पीस लूँगी, और वहाँ से मैंने 4 इंचेस एक्स्ट्रा और एक पीस लूँगी। ऐसे मैंने 6 पीसेस लिया। अब उसके बाद आस्तीन के लिए कटिंग करूँगी। आस्तीन के लिए मैंने कपड़ा लिया और उसको डबल फोल्ड किया। दो कपड़ा लिया और उसको डबल फोल्ड किया। उसका हाइट मैंने 5 पैक मार्क किया। एंड एक लाइन ड्रॉ किया, और नीचे मैंने आस्तीन की मोहरी के लिए मैंने 6.5 पैक मार किया। आस्तीन का मोहरी है मेरा 13, तो मैंने 6.5 पैक मार किया और 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। यहाँ से मैंने 3 इंच पैक मार करूँगी तिरछा, और एक तिरछा लाइन ड्रॉ किया। यहीं पे भी मैंने 3 इंच पैक मार किया। मेरा लाइन यहीं से जाते हुए मेरे तिरछा जाते हुए मैं नीचे से जॉइन करूँगी। ये मेरा आस्तीन हो गया। और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 1/2 इंच डीप लूँगी। ये मेरा फिटिंग का लाइन भी ड्रॉ किया। ये मेरा आस्तीन का कटिंग हो गया। अब उसके बाद मैंने बैक का पार्ट बनाऊंगी। बैक का पार्ट के लिए मैंने मेन क्लॉथ रखा, और उसके ऊपर मैंने ओवरकोट का टॉप का पार्ट रखा। ऐसे मैंने रख के ऐसे एक सिलाई दूंगी, नेक पे एक सिलाई दूंगी,
ऐसे मैंने राउंड सिलाई दूंगी और उसके बाद उसको पलटते हुए मैंने सिलाई दे दूंगी। ऐसे मैंने जॉइंट कर लिया, देखो। मैंने जॉइंट कर लिया है और उसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए मैंने अंदर का जो कपड़ा है उसके हिसाब से मैंने नेक का और एक कपड़ा लिया, ऐसे शेप से ही और एक कपड़ा लिया और उसको मैंने नीचे के लिए नीचे से मैंने फोल्ड करते सिलाई दे दी और उसके बाद ये मैंने मेन क्लॉथ के साथ जॉइंट कर दूंगी और उसको पलट के और एक सिलाई दे दूंगी। ये देखो मैंने ऐसे जॉइंट कर लिया और बाद में उसका हेमिंग भी कर दूंगी और उसके बाद ये मैंने छोटे छोटे पीसेस को जॉइंट करूंगी। इसके लिए मेरे टॉप के पार्ट के साथ ये सबसे छोटा वाला पीस रखते हुए छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए मैंने उसको जॉइंट करूंगी। ऐसे मैंने 4-5 प्लीट्स दिया और उसके बाद इसके नीचे से और एक उससे थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट लूंगी और इसे इसके साथ जॉइंट करूंगी। ऐसे मैंने जॉइंट कर लिया है और उसके बाद मैंने एक लंबा सा कपड़ा लिया 1 इंच का और इसको फोल्ड करते हुए मैंने उसको ऐसे जॉइंट किया और उसके बाद उसको पलटते हुए एक किनारे किनारे एक सिलाई दे दी, ऐसे सिलाई दे दी मैंने। ये मैंने हेमिंग भी कर लिया और उसके बाद ये दो पीसेस मैंने ऐसे जॉइंट कर दूंगी। ये जॉइंट तक ही मुझे जॉइंट करना है, नीचे नहीं जॉइंट करना है। ऐसे मैंने जॉइंट कर लिया और उसके बाद बैक का पार्ट भी जॉइंट कर दूंगी और उसके बाद मैंने फ्रंट और बैक दोनों जॉइंट कर दूंगी और उसके बाद मैंने आस्तीन को जॉइंट करूंगी। आस्तीन को जॉइंट करने के लिए पहले मुझे वो नीचे का सिलाई देना होगा। ऐसे सिलाई देते हुए मैंने मेन फैब्रिक के साथ ऊपर रखते हुए मैंने ये आस्तीन जॉइंट कर लिया। और उसके बाद मैंने ये फिटिंग कर दूंगी। टॉप पार्ट यहीं तक मुझे फिटिंग करना है। फिटिंग करते हुए मुझे यहीं तक मुझे फिटिंग करना है और नीचे ये 4 पीसेस फिटिंग करूँ 4 पीसेस मैंने जॉइंट करूँगी। यहीं तक ही मुझे जॉइंट करना है और उसके बाद ये जो कॉटन का क्लॉथ है अंदर डाल के सिर्फ मेरा रेयन क्लॉथ को ही मैंने जॉइंट करूँगी। ये कॉटन क्लॉथ को मैंने जॉइंट नहीं करूँगी। ये रेयन क्लॉथ को जॉइंट करते हुए मैंने जो मार्क किया वहीं तक, कमर पे मार्क किया वहीं तक मुझे जॉइंट करना है और उसके बाद मुझे उसे खुला छोड़ देना है। ऐसे मैंने जॉइंट कर लिया। अब मैंने खुला छोड़ा था जो उसको मैंने डबल फोल्ड करते हुए उसका साइड्स मारूंगी। ऐसे मैंने साइड्स सिलाई दे दी मैंने और नीचे के भी मैंने सिलाई दे दी और उसके बाद मैंने जो सिलाई नहीं दी थी कॉटन क्लॉथ के साथ अब मैंने सिलाई दे दी। मैंने ऐसे सिलाई दे दिया है। ये मेरे कोट के लिए मेरा रेडीमेड लेस डोरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डोरी बना सकते हो। ये मैंने पहले ये मेरा वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने जॉइंट कर लिया है। ये मेरा टॉप बन के तैयार हो चुका है, रेडीमेड कुर्ती बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।